नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली वेबसाइट जोमैटो सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड कर रही है, वो भी बेहतरीन गर्मा गर्म और स्वादिष्ट भोजन के लिए नहीं बल्कि भोजन पर ज्ञान बांटने की वजह से। अपने ट्वीट की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर आई जोमैटो की ट्विटर पर जमकर फजीहत हो रही है। जोमैटो को ट्रोल होता देख बचाव में उबर ईट्स भी कूद गई, जिससे लोग पूछने लगे, हे उबर ईट्स, उड़ता तीर लेना जरूरी था? जोमैटो को सपोर्ट कर फंस गया उबर ईट्स। भड़के ट्रोलर्स ने कहा, प्लीज डिलीट इट। ट्विटर पर उबर ईट्स का हो रहा बॉयकॉट। लगता है महंगा पड़ गया जोमैटो का साथ। भूखे को खाना खिलाने के लिए मशहूर वेबसाइट जोमैटो खाने के साथ ही अपने ट्वीट्स को लेकर भी सुर्खियों में रहता है। कभी लोगों को सलाह देता है कि गाइस कभी घर का खाना भी खा लेना चाहिए, तो कभी कहता है गाइस कभी कभी खुद के अच्छे ट्वीट भी सोच लेने चाहिए। एक से बढ़कर एक ट्वीट कर लोगों को सलाह देने वाले जोमैटो ने बुधवार को भी जबलपुर के कस्टमर पंडित अमित शुक्ल से कहा कि खाने का कोई धर्म नहीं होता, खाना खुद एक धर्म है। हालांकि इससे पहले जोमैटो खुद एक कस्टमर को हलाल मीट उपलब्ध न करवा पाने की वजह से इस मामले को देखने की बात कह चुका था। अपने इस दोहरे रवैये की वजह से जोमैटो ट्विटर पर घिर गया और ट्विटर पर बॉयकॉट जोमैटो का हल्ला मच गया। ट्विटर पर जोमैटो को घिरता देख एक और फूडिंग वेबसाइट उबर ईट्स इंडिया जोमैटो के बचाव में उतर गई और ट्वीट कर कहा, जोमैटो हम आपके साथ हैं। ये ट्वीट करते ही जो ट्रोलर्स अभी बॉयकॉट जोमैटो कैंपेन चला रहे थे, वही ट्रोलर्स अब उबर ईट्स पर ही टूट पड़े। पंडित किम जोंग मिश्रा अयोध्या वाले नाम के ट्विटर यूजर ने उबर ईट्स के ट्वीट पर एक मीम पोस्ट किया, जिस पर लिखा है, ऐसा उठा के पटकेंगे ना, दो बार टिप्पा खाओगे। मुकुल शर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, हे उबर ईट्स, उड़ता तीर लेना जरूरी था, स्विगी प्लीज यू डोंट ट्राई दिस। एक ट्विटर यूजर ने ये मीम पोस्ट करते हुए लिखा, बॉयकॉट उबर ईट्स के बाद स्विगी और फूड पांडा। विनीता राजपूत नाम की ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया, डियर जोमैटो, आई जस्ट रिमूव्ड यू फ्रॉम माय फोन। डियर उबर ईट्स, मैंने अभी तक तुम्हारी सर्विस इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन इसके बाद अब कसम खाती हूँ इसका इस्तेमाल कभी नहीं करूंगी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, तो उबर ईट्स जोमैटो के सपोर्ट में आ गया है, अब बॉयकॉट उबर ईट्स ट्रेंड करना शुरू हो गया, भाई सावन के महीने में पंगा मत लो। जोमैटो का सपोर्ट करने की वजह से लोग उबर ईट्स ऐप को भी फोन से अनइंस्टॉल करने लगे। इस विवाद पर जोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने अपनी कंपनी का पक्ष रखते हुए कहा कि भारत देश अपनी विविधता के लिए मशहूर है, हम भारत के अलग अलग विचारधारा वाले ग्राहकों की विविधता पर गर्व करते हैं। अगर हमारे मूल्यों के लिए बिजनेस का नुकसान होता है तो हमें दुख नहीं होगा। बता दें कि मंगलवार की रात मध्य प्रदेश के जबलपुर के अमित शुक्ल नाम के एक शख्स ने जोमैटो से खाना ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी बॉय का मुस्लिम नाम देखकर ऑर्डर कैंसिल करने का मैसेज किया। मैसेज में लिखा कि सावन के महीने में किसी नॉन हिंदू से खाना नहीं ले सकता। देखते देखते ये ट्वीट वायरल हो गया और देश भर में इसको लेकर प्रतिक्रिया दी गई। कुछ लोगों ने बॉयकॉट जोमैटो अभियान चलाया, तो वही जोमैटो का समर्थन करने पर बॉयकॉट उबर ईट्स भी ट्रेंड करने लगा। ऑनलाइन ऑर्डर करना या फिर उसे कैंसिल करना आपका अधिकार है, लेकिन डिलीवरी बॉय का सिर्फ किसी धर्म विशेष का होने की वजह से ऑर्डर कैंसिल करना सही नहीं है। किसी भूखे के लिए भोजन से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता, और ना ही कोई धर्म कभी इंसानों में भेद करना सिखाता है। इसी देश में सावन के महीने में मुस्लिम समुदाय कांवड़ ले जा रहे भोले के भक्तों की सेवा करता है, तो ही रमजान में हिंदू रोजा भी रखते हैं। With the onset of Hindu holy month of Shravan or Savan, begins the auspicious journey venture Kamar Yatra, a religious pilgrimage observed by the devotees of Lord Shiva in different parts of India. Amid this journey, devotees carrying kavar or bamboo pole with two pots suspended from either end on their shoulders travel through Haridwar, Gangotri and Gomukh in the state of Uttarakhand to collect water from holy Ganges and then offer it to Shiva temples in their hometowns. Though it is a Hindu occasion, it is equally loved by the Muslim community who work really hard for the successful conduct of this annual religious journey. One such example can be seen in Haridwar city of Uttarakhand, where scores of Muslim artisans are involved in making colorful kavars for Hindu devotees.
For years, Muslim families here are associated with this craft, and this is not just a source of livelihood for them, but an opportunity to serve their Hindu brethren. जैसे कि सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है, तो हम भी अपने हिंदू भाइयों के लिए कावड़ बनाते हैं। पिछले 4 सालों से मैं भी कावड़ बनाता हूँ यहाँ पे, और कावड़ बनाते साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारे भोले भाइयों को कोई तकलीफ ना हो, इसी के हिसाब से हम सारी कावड़े बनाते हैं और हमें कावड़ बनाना अच्छा भी लगता है। Praising this profound act of these Muslim craftsmen, Hindu devotees believe that this bond of love and brotherhood will keep on inspiring generations. ये तो बहुत ही अच्छा है, मुसलमान भाइयों में हिंदुओं के प्रति प्यार है। ये कावड़ बनाते हैं, हम इनसे कावड़ ले जाते हैं, इनका रोजगार इससे ही चलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, हिंदू और मुस्लिम भाइयों का प्यार बना है। वाराणसी सिटी इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो नरेट सिमिलर स्टोरी ऑफ हार्मनी, वेयर मुस्लिम शॉपकीपर्स डिजाइन एंड सेल स्पेशल क्लोथ्स फॉर हिंदू डेविटीज। Apart from clothes, various other products for Sawan are also sold here by Muslim shopkeepers who remain equally excited for the Kamar Yatra and firmly believe in the thought of religious unification. जैसे हिंदू भाई हमारा सामान बेचते हैं, उसी तरह हम भी क्या नाम है कि सावन का सामान बेचते हैं, ताकि आपसी सौहार्द बना रहे, और ऐसी कोई बात नहीं है। ये गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ तो सदियों से गंगा जमुनी तहजीब जो है अच्छे ढंग से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। और यहाँ का हर मुसलमान, हर हिंदू जो है एक ताने बाने में एक दूसरे से एकदम अच्छे से ढंग से मिला हुआ है। Such acts of mutual tolerance, where people of different communities equally participate in each other's social and religious activities, not only helps to maintain peace, but also reinforce our faith in the secular fabric of the country. With the onset of Hindu holy month of Shravan or Sawan, begins the auspicious journey venture, Kamar Yatra, a religious pilgrimage observed by the devotees of Lord Shiva in different parts of India. Amid this journey, devotees carrying kavar or bamboo pole with 2 pots suspended from either end on their shoulders travel through Haridwar, Gangotri and Gomukh in the state of Uttarakhand to collect water from holy Ganges and then offer it to Shiva temples in their hometowns. Though it is a Hindu occasion, it is equally loved by the Muslim community who work really hard for the successful conduct of this annual religious journey. One such example can be seen in Haridwar city of Uttarakhand, where scores of Muslim artisans are involved in making colorful kavars for Hindu devotees. For years, Muslim families here are associated with this craft, and this is not just a source of livelihood for them, but an opportunity to serve their Hindu brethren. जैसे कि सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है, तो हम भी अपने हिंदू भाइयों के लिए कावड़ बनाते हैं। पिछले 4 सालों से मैं भी कावड़ बनाता हूँ यहाँ पे, और कावड़ बनाते साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारे भोले भाइयों को कोई तकलीफ ना हो, इसी के हिसाब से हम सारी कावड़े बनाते हैं और हमें कावड़ बनाना अच्छा भी लगता है। Praising this profound act of these Muslim craftsmen, Hindu devotees believe that this bond of love and brotherhood will keep on inspiring generations. ये तो बहुत ही अच्छा है, मुसलमान भाइयों में हिंदुओं के प्रति प्यार है। ये कावड़ बनाते हैं, हम इनसे कावड़ ले जाते हैं, इनका रोजगार इससे ही चलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, हिंदू और मुस्लिम भाइयों का प्यार बना है। वाराणसी सिटी इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो नरेट सिमिलर स्टोरी ऑफ हार्मनी, वेयर मुस्लिम शॉपकीपर्स डिजाइन एंड सेल स्पेशल क्लोथ्स फॉर हिंदू डेविटीज। Apart from clothes, various other products for Sawan are also sold here by Muslim shopkeepers who remain equally excited for the Kamar Yatra and firmly believe in the thought of religious unification. जैसे हिंदू भाई हमारा सामान बेचते हैं, उसी तरह हम भी क्या नाम है कि सावन का सामान बेचते हैं, ताकि आपसी सौहार्द बना रहे, और ऐसी कोई बात नहीं है।
ये गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ तो सदियों से गंगा जमुनी तहजीब जो है अच्छे ढंग से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। और यहाँ का हर मुसलमान हर हिंदू जो है एक ताने बाने में एक दूसरे से एकदम अच्छे से ढंग से मिला हुआ है। Such acts of mutual tolerance, where people of different communities equally participate in each other's social and religious activities, not only helps to maintain peace, but also reinforce our faith in the secular fabric of the country.